get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा लाता हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल डिफरेंट एंड यूनिक आर्टिकल्स। आज भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे एक डिफरेंट फैंसी डिज़ाइनिंग। तो चलिए किसी इंतज़ार किए बगैर हम चलते हैं अपनी कलेक्शन की तरफ, और हम वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देख सकते हैं आप, सबसे पहला जो आज मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइट सा वर्क किया गया है इसके ऊपर। गला अगर आप देखेंगे तो दरमियान में होल शेप में इसका कट दिया गया, प्लस हैंडमेड पल्स का काम किया गया लाइट सा गले के ऊपर। उसके बाद थ्रेड वर्क किया गया कंट्रास्ट में, और उसके बाद तिल्ला वर्क किया गया गोल्डन शेड में। बाजू की अगर फ्रंट साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो सेम पल्स का वर्क किया गया, प्लस तिल्ला वर्क किया गया। थोड़ी बेल शेप दी गई है, साथ में ऑर्गेन्जा को स्टिचिंग के साथ डिज़ाइन किया गया बॉर्डर। और नीचे अगर हम जाते हैं तो तिल्ला वर्क के साथ थ्रेड तिल्ला वर्क करके ऊपर जो है वो पल्स का काम किया गया। बॉर्डर भी सेम डिज़ाइन किया गया। बैक इसकी प्लेन रहने वाली है, ये देख सकते हैं आप। और अगर इसके दुपट्टे की जानिब हम जाते हैं तो टू टोन में इसका आपको दुपट्टा मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। टाई एंड डाई में इसका दुपट्टा आपको मिलेगा, दरमियान में आपको सेम शेड मिलेगा दुपट्टे का, और बॉर्डर जो है उसके पल्लू वो आपको मिलेंगे मल्टी मेरून और येलो शेड में, और उनके ऊपर तिल्ला वर्क के साथ मिरर का काम किया गया। प्लस उसके ऊपर आप देख सकते हैं लैस यूज़ की गई है, साइड पे जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर भी लैस लगाई गई है। और अगर हम इसके ट्राउज़र की बात करते हैं तो ट्राउज़र भी आपको सेम डिज़ाइन में मिलेगा, जैसा कि आपने लैस देखी सेम वैसी ट्राउज़र के ऊपर भी लैस लगाई गई। आप देख सकते हैं सीक्रेट पैंट शेप में आपको ट्राउज़र मिलेगा और ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ इसको डिज़ाइन किया गया नीचे से, और बाकी का ट्राउज़र जो आपको वेस्टकोट फैब्रिक में मिलेगा। इसमें आपको तीन से चार शेड मिलेंगे, जो कि मैं आपको दो से तीन शेड दिखाऊंगा। बाकी के जो शेड होंगे वो आप जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उसके जरिए हमसे हासिल कर सकते हैं जी। तो ये देखें, ये इसका सेकेंड शेड आ जाएगा पिस्ता कलर, जैसा कि आपने पहले नेवी ब्लू कलर देखा। और उसके बाद हम अगर इसके बाकी कलर्स की तरफ जाते हैं तो इसमें मेरून शेड भी आपको मिल जाएगा और ब्लैक शेड भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर भी मल्टी थ्रेड किया गया, गला इसका भी हैंडमेड के साथ डिज़ाइन किया गया कॉपर शेड में। इसके ऊपर लाइट सा जो है वो तिल्ला वर्क किया गया, ये आप देख सकते हैं। और दरमियान में आप देख सकते हैं ऑर्गेन्जा के साथ उन्होंने जो टसल बना के तिल्ला वर्क के जो डोरी के साथ डिज़ाइन किए गए। बाजू अगर आप देखते हैं तो बाजू भी सेम डिज़ाइन किए गए, जैसा कि आपने शर्ट की साइज देखी सेम वैसे ही ऊपर वर्क किया गया। पल्स का काम काफ़ी बॉर्डर पे भारी तरीके से किया गया, साथ उसके जो है समोसा लैस का भी लाइट सा यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। स्टिचिंग की अगर हम बात करते हैं तो स्टिचिंग इसकी आपके सामने बहुत ही आउट क्लास तरीके से इसको स्टिच किया गया, कहीं भी आपको जो है वो स्टिचिंग में फॉल्ट नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। दुपट्टा अगर हम इसका देखते हैं तो कंट्रास्ट में इसका दुपट्टा आ जाएगा ऑरेंज शेड में, जो कि सेम थ्रेड और कॉपर शेड के तिल्ला वर्क के साथ डिज़ाइन किया गया, जैसा कि आपने शर्ट के बॉर्डर्स देखे। उसके बाद अगर इसकी ट्राउज़र की बात करते हैं तो ट्राउज़र आपको सेम मैरून शेड में मिलेगा। इसके ऊपर भी समोसा लैस लगा के लाइट सी ऑर्गेन्जा लगाकर इसको डिज़ाइन किया गया, विस्कोस फैब्रिक पे इसका ट्राउज़र मिलेगा आपको। और इसमें आपको दो से तीन कलर मिलेंगे, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उसके ज़रिए आप हमसे इसके कलर्स हासिल कर सकते हैं। हमारा बेसिकली, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, होलसेल का काम है। होलसेल पे अगर आप हमसे ये चीज़ें लेना चाहेंगे तो आपको इनकी जो प्राइस डिटेल है या जो भी इसकी डिटेल है सेट वाइज, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको कि सेट वाइज बाय करना होता है होलसेलर्स को, तो वो तमाम की तमाम जो डिटेल है जो हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर होगा उसके ज़रिए हमसे हासिल कर सकते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था उसकी जो प्राइस है वो 6850 मिलेगी आपको, और ये जो मैंने अभी आपको आर्टिकल दिखाया है इसकी आपको मिलेगी 7200 थ्री पीस की। इसी के साथ हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, ये देख सकते हैं आप। इसके ऊपर आप देख सकते हैं मल्टी थ्रेड बॉर्डर कटवर्क शेप में डिज़ाइन किया गया सीक्वेंस वर्क के साथ। ऊपर इसका सीक्वेंस वर्क आपको नजर आएगा काफ़ी भारी तरीके से। तिल्ला वर्क इसके ऊपर बहुत लाइट सा एम गोल्ड में आपको नजर आएगा। बाजू भी फ्रंट साइड से सेम वैसे डिज़ाइन किए गए, जैसे कि आपने
शर्ट का बॉर्डर देखा। बाकी आप अगर इसके हैंडमेड की बात करते हैं तो वो बिल्कुल आपके सामने है। नेकलाइन इसकी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई है हैंडमेड वर्क के साथ, सीक्वेंस वर्क के साथ इसकी जो है वो देख सकते हैं काफ़ी भारी तरीके से इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क किया गया। तिल्ला वर्क बहुत लाइट सा यूज़ किया गया, कंट्रास्ट में आप देख सकते हैं स्किन शेड के जो है वो थ्रेड वर्क प्लस इसके ऊपर मल्टी थ्रेड जो वो किया गया वो भी काफ़ी अच्छा हाईलाइट हो रहा है। बैक इसकी भी आपको प्लेन मिलेगी, ये देख सकते हैं आप। और अगर हम इसके दुपट्टे की जानिब जाते हैं तो इसका दुपट्टा सेम शेड में रहने वाला टू साइड बॉर्डर के साथ वर्क मिलेगा आपको। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर सीक्वेंस वर्क आपको मिलेगा थ्रेड वर्क के साथ लाइट सा बॉर्डर। अगर आप देखते हैं दुपट्टे के तो काफ़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो डिज़ाइन किए गए, जैसे कि आपने शर्ट के बाजुओं की फ्रंट साइड देखी। और उसके बाद अगर हम इसके ट्राउजर की तरफ बढ़ते हैं तो ट्राउजर भी आपको सेम शेड में मिलेगा सेम वर्क के साथ सीक्रेट पैंट शेप में वेस्कोस फैब्रिक पे। स्टिचिंग की बात अगर हम करते हैं तो स्टिचिंग इसकी आपको मैं दिखा देता हूँ। स्टिचिंग इसकी फुल जो है वो नीट तरीके से की गई है, एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं आपको मिलेगा कहीं पे भी, फुल नफासत के साथ इसको स्टिच किया गया। और उसके बाद अगर इसकी कलरिंग की हम बात करें तो कलर इसमें आपको 7 से 8 मिलेंगे, जैसा कि आपने सबसे पहले पिंक शेड देखा, उसके बाद इसके अंदर आपको वाइट शेड मिलेगा और उसके बाद इसके अंदर आपको जिंक शेड मिलेगा, 3 से 4 इसमें शेड मिलेंगे। बाकी मजीद कलर भी हैं वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा उसके जरिए आप हमसे हासिल कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस मिलेगी वो आपको 7500 मिलेगी रिटेल प्राइस। होलसेल पे लेना होगा तो होलसेल की जैसा कि मैंने आपको बताया वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो हमारा नंबर दिया है उस पर रब्ता करने से। अच्छा आगे हम चलते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक शेड पर आपको मिलेगा जिसके ऊपर टोटली हैंडमेड वर्क किया गया सिल्वर शेड में और ऑफ वाइट शेड में। इसके ऊपर पल्स का यूज़ किया गया, सेम शेड का इसके ऊपर जो वो थ्रेड वर्क यूज़ किया गया। और उसके बाद अगर हम इसके तिल्ला वर्क की तरफ बढ़ते हैं तो तिल्ला वर्क आपको एम गोल्ड शेड में जो कि नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम इसके बॉर्डर की तरफ जाते हैं तो बॉर्डर आपको इसका कट वर्क में मिलेगा लाइट सा थ्रेड वर्क करके, साथ इसके जो वो टसल लगाए गए हैं। उसके बाद गला अगर आप देखते हैं तो गले के ऊपर भी टसल्स का यूज़ किया गया प्लस साथ में काफ़ी भारी तरीके से जो वो हैंडमेड वर्क किया गया है। दुपट्टा और बाजुओं की अगर हम इसकी बात करते हैं तो लाइनिंग में तिल्ला वर्क के साथ बाजू डिज़ाइन किए गए हैं, सेम वैसे ही फ्रंट साइड से कटवर्क शेप दी गई है जैसा कि आपने शर्ट का बॉर्डर देखा। उसके बाद अगर हम इसके दुपट्टे की जानी बढ़ते हैं तो दुपट्टा इसका भी ब्लैक शेड में रहेगा टू साइड बॉर्डर कटवर्क के साथ। दरमियान में अगर आप देखते हैं तो दरमियान में आपको मिलेगा बिंदी वर्क सीक्वेंस वर्क के साथ, ये देख सकते हैं आप। दुपट्टे के ऊपर आपको ब्लैक शेड में सीक्वेंस वर्क नज़र आएगा और एम गोल्ड का तिल्ला वर्क नज़र आएगा, ये देख सकते हैं आप। ट्राउजर की अगर हम बात करते हैं तो ट्राउजर भी आपको ब्लैक मिलेगा, ब्लैक सेम वर्क के साथ आपको ट्राउजर मिलेगा वेस्कोस फैब्रिक पे, क्वालिटी बहुत आउट क्लास है, काफ़ी जो है वो नफीस तरीके से इसके ऊपर हैंडमेड किया गया है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो हाईलाइट भी हो रहा है। और प्लस अगर आप इसकी हैंडमेड की बात करते हैं तो ये ग्लू और गम के साथ नहीं लगाया गया बल्कि ये स्टिचिंग के साथ किया गया, ना आपको इसके टूटने का डर है ना आपको इसके उतरने का टेंशन है। प्राइस इसकी जो आपको मिलने वाली है वो भी आप देख सकते हैं, जितना ज़्यादा हैंडमेड जरी वर्क इसके ऊपर आपने देखा इसकी प्राइस जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 7,800 रुपये। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, इसमें आपको 2 से 3 कलर भी मिलेंगे जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के जरिए देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं इस आर्टिकल की तो इस आर्टिकल का गला मिरर वर्क और गोल्डन शेड के तिल्ला वर्क और कॉपर शेड के तिल्ला वर्क के साथ ये टोटली सूट को डिज़ाइन किया गया। बॉर्डर अगर आप देखते हैं तो दरमियान में जो है वो मल्टी थ्रेड यूज़ करके उसी के ऊपर जो है कॉपर शेड में तिल्ला वर्क और कॉपर शेड का सीक्वेंस वर्क जो है वो किया गया। नीचे बॉर्डर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो बॉर्डर आप देखते हैं तो फ्रिल के साथ बॉर्डर डिज़ाइन किया गया, बाजू सेम वैसे डिज़ाइन किए गए जैसे कि आपने शर्ट का दामन देखा। उसके बाद अगर हम इसके गले की तरफ आते हैं तो गला आप देख सकते हैं टसल्स के साथ इसका भी डिज़ाइन किया गया, मिरर वर्क के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। उसके बाद अगर हम इसके ट्राउज़र की बात करते हैं तो ट्राउज़र इसका भी सेम शेड में रहने वाला है, ये देख सकते हैं आप। सेम लैस के साथ इसको भी गोल्डन शेड की के और नीचे से आप देख सकते हैं मेरून शेड में इसके ऊपर जो है ऑर्गेंजा का कपड़ा यूज़ किया गया वो काफ़ी अच्छा जो कि लग रहा है। उसके बाद अगर इसके दुपट्टे की बात करते हैं तो दुपट्टे के जो पल्लू आपको मिलेंगे सेम वैसे फ्रिल के साथ डिज़ाइन किए हुए मिलेंगे जैसा कि आपने शर्ट का बॉर्डर और बाजुओं की फ्रंट साइड देखी। अगर हम इसके बॉर्डर्स की तरफ आप बढ़ते हैं तो ये देख सकते हैं सेम वर्क में आपको कट वर्क शेप में मिलेंगे जैसा कि आपने शर्ट के बाजुओं की फ्रंट साइड देखी थी। दुपट्टा काफ़ी खूबसूरत है, कॉपर शेड के सीक्वेंस वर्क के साथ आपको डिज़ाइन किया गया किया हुआ मिलेगा और कॉपर शेड के थ्रेड वर्क के साथ कॉपर शेड के सीक्वेंस के जो है साथ आपको मिलेगा। इसमें भी आपको 2 से 3 कलर मिलेंगे जैसा कि रस्ट कलर आपको मिलेगा, मेरून शेड आपको मिलेगा और उसके बाद इसके अंदर पीच शेड मिलेगा। प्राइस इसकी भी 7500 आपको मिलेगी। इसी के साथ हम लास्ट आर्टिकल की तरफ अपने जाते हैं जो कि आप देख सकते हैं ये मल्टी थ्रेड के साथ टोटली डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल लाइट सा इसके ऊपर छटा वर्क किया गया है जिसको आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो लाइट सा जो है वो हैंडमेड का टच देकर उसको काफ़ी अच्छे से जो है वो डिज़ाइन किया गया। कलर की अगर हम बात करते हैं तो कलर इसका बहुत आलीशान है, ब्रांडेड सूट्स हैं, ब्रांडेड लुक देंगे इंशाल्लाह आप इसको यूज़ करेंगी।
आप को खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्वालिटी वाइज भी कैसे हैं और ये चीजें भी कैसी हैं। वेयरिंग लुक आपको पता है थोड़ी डिफरेंट आती है, ये देख सकते हैं बैक इसकी आपको प्लेन मिलेगी। गला अगर आप देखते हैं तो गला इसका बिल्कुल जो है वो तिल्ले के साथ जो डिजाइन किया गया, और उसके बाद नीचे बॉर्डर की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये भी टोटली हैंडमेड सेम शेड के थ्रेड के साथ और कंट्रास्ट के थ्रेड के साथ आपको ये मिलेगा। दुपट्टे की अगर हम बात करते हैं, बाजुओं की अगर हम बात करते हैं, तो जाल में इसके बाजू डिजाइन किए गए हैं बैक फ्रंट से, और फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं सेम वैसे डिजाइन किए गए जैसे कि आपने शर्ट का बॉर्डर देखा था। दुपट्टा आप देख सकते हैं, दुपट्टा आपको सेम शेड में मिलेगा टू साइडेड बॉर्डर थ्रेड वर्क के साथ, दरमियान में सेम वैसे ही बिंदी वर्क किया गया। दुपट्टे का साइज आप देख सकते हैं, फुल साइज आपको मिलेगा दुपट्टा, 2.5 मीटर का आपको फुल दुपट्टा मिलने वाला है। कोई इसमें दुपट्टे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, साइजिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, और ये जितने भी आर्टिकल मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं ये मीडियम लार्ज एंड स्मॉल साइजिंग में आपको मिलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसका ट्राउजर सेम शेड में आपको मिलेगा, कलर इसमें भी आपको 2 से 3 मिलेंगे, प्राइस इसकी भी आपको 7500 मिलेगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें हमसे, आपको इंशाल्लाह ताला जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं कैजुअल फैंसी में, मैक्सीज में, ट्राउजर्स में, कैजुअल शर्ट्स में, कैजुअल 3 पीस में, कैजुअल 2 पीस में, वो सारी की सारी जो है आप हमसे देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।